नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। इन दिनों एयरलाइंस किसी न किसी घटना को लेकर चर्चा में है। फ्लाइट्स में मारपीट से लेकर पेशाब कान तक की खूब चर्चा हुई है। अब सोमवार को एक अजीब घटना सामने आई। गो फर्स्ट की एक फ्लाइट 54 यात्रियों को लिए बिना ही बेंगलुरु से उड़ गई। यात्रियों को दिल्ली जाना था, सभी चेक इन कर चुके थे, सुरक्षा की जांच हो चुकी थी और चार बसों में सवार होकर टरमैक में इंतजार कर रहे थे जो उन्हें पार्क किए गए विमान तक ले जाने वाली थी। एयरलाइन ने चार घंटे बाद फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और वे बस में बैठकर इंतजार ही करते रहे। अब इस घटना पर विमानन नियामक DGCA ने रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8116 ने लगभग 54 यात्रियों को छोड़कर लगभग 6:30 बजे उड़ान भरी, जबकि वे उस समय भी टरमैक में बस के अंदर थे। कई यात्रियों ने मामले की शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने संभावित टकराव को टालने के लिए कदम बढ़ाया इससे पहले कि एयरलाइन कर्मचारी सभी 54 फंसे हुए यात्रियों को प्रस्थान क्षेत्र से बाहर ले गए और उन्हें दूसरी उड़ान के लिए नए बोर्डिंग पास जारी किए। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।